अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक हीरा पब्लिक स्कूल से है, जमात दौई बुक मुताला इस्लाम। पिछली क्लास में हमने दूसरों का अदब एहतराम, हदीस नंबर 2 और दुआ नंबर 2 हिफ्ज के तौर पर याद किए थे। आज हम न्यू सबक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस्लामियत की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 42, तहारत और सफाई। मैं आप लोग को रीडिंग करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करिएगा। पाक साफ रहने वाले लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। सफाई और पाकिजगी का मतलब है कि हम अपना जिस्म, लिबास और घर साफ रखें। सफाई और पाकिजगी के लिए हमें चाहिए कि हर रोज गुसल करें, दांत साफ करें और नाखून तराशें। खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। बैतुल खुला वॉशरूम से फारिग होकर हाथ धोएं। अपने लिबास को गंदा होने से बचाएं। अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। तहारत और सफाई से क्या मुराद है, आज हम इसके बारे में, मैं आप सफाई के बारे में, अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है, अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को, लोगों को पसंद करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। क्या आप लोग पाक साफ रहते हैं? सफाई और पाकिजगी का क्या मतलब है कि हम अपना जिस्म, अपना लिबास और घर साफ रखें। सफाई और पाकिजगी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हर रोज नहाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, नाखून काटने चाहिए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, बैतुल खुला से फारिग होकर हाथ धोने चाहिए, अपने लिबास को गंदा होने से बचाना चाहिए, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या आप लोग ये सब करते हैं? खाना खाने से पहले और बाद में आप लोग हाथ धोते हैं? आप लोग खेल रहे होते हैं, आप लोग आगे खाना खाने लग जाते हैं, आप लोग हाथ नहीं धोते, ऐसे ही करते ना ज्यादातर बच्चे। लेकिन हमें हर रोज नहाना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह उठने के बाद आप लोगों को दांत साफ करने चाहिए, रात को सोने से पहले आप लोगों को दांत साफ करने चाहिए। नाखून तो जुम्मे के दिन लाजमी काटते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर दिन में बाकी रोज आपके नाखून बढ़ते हैं तो आपने तब भी तराशने अपने नाखून, खाने से पहले और बाद में हाथ आपने लाजमी धोने हैं, और बैतुल खुला से फारिग होकर भी आपको हाथ धोने हैं। अपने लिबास को गंदा होने से बचाना चाहिए। अगर आप लोग खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं या घर में खेल रहे हैं, अपने लिबास को मिट्टी, धूल वगैरह से, इन सब चीजों से बचाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। मतलब अगर आप देखें घर में कोई चीज बिखरी हुई है या कोई गंध है तो आप लोग अपने घर को साफ रखें, ठीक है? और क्या आप लोग जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। देखिए, अगर हम लोग सफाई का ख्याल रखेंगे, पाकिजगी का ख्याल रखेंगे, अपने जिस्म, अपने लिबास और घर वगैरह सब साफ रखेंगे तो हमारा तो आधा ईमान हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने जिस्म, अपने लिबास और घर को साफ हमें रखना चाहिए। और अगर आप लोग माहौल, अपने जिस्म और लिबास और घर को साफ रखेंगे, पाकिजगी और सफाई का ख्याल रखेंगे, तो क्या अल्लाह ताला भी आप लोगों से मोहब्बत करेंगे, ठीक है ना? बैठने, काम करने और रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। काम करने के बाद चीजों को उनकी जगह पर वापस रखें। कूड़ा करकट गली में या रास्ते में ना फेंकें। कागज के टुकड़े और गंदगी कूड़ेदान में फेंकें। इन बातों पर अमल करने में हम सब का फायदा है। आए हम अहद करें कि हम अपना जिस्म, लिबास, घर, स्कूल और माहौल साफ सुथरा रखेंगे। इस तरह हमारा घर, हमारा कमरा जमात और हमारा वतन साफ सुथरा रहेगा और अल्लाह भी हमसे खुश होगा। पिछली क्लास मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था सफाई के बारे में, कि हमें हर रोज गुसल करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, नाखून तराशने चाहिए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, बैतुल खुला से फारिग होकर हाथ धोने चाहिए, अपने लिबास को गंदा होने से बचाना चाहिए और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे, जब
हम कोई भी जहाँ पे बैठते हैं, हम काम करते हैं या कोई भी रहने वाली जगह है जहाँ हम रहते हैं, उस जगह को हमेशा हमें साफ करके बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम किसी जगह पे बैठते हैं या कोई काम कर रहे होते किसी जगह पर, या रात को लेट होने के लिए लेटते, तब हमें उस जगह को पहले साफ करना चाहिए। और काम करने के बाद चीजों को उनकी जगह, अगर हम कोई भी काम करते हैं, चीज उठाते हैं एक जगह से, उसको उस चीज को उसकी अपनी जगह पे वापस रखना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कभी इधर रख देते कभी उधर रख देते, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि काम करने के बाद उन चीजों को उनकी अपनी जगह पे वापस रखना चाहिए। और गंदगी या कूड़ा करकट, कचरा जहाँ हम लोग फेंक देते हैं, कभी हम घर में कुछ खा रहे होते फेंक देते हैं कचरा, या हम स्कूल में जाता है, ऐसा होता है कि स्कूल में चीज खाते हैं तो हम कचरा वहीं फेंक देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए, या अगर हम रास्ते में कहीं जाते हैं, रास्ते में कुछ खाते हुए भी, तो हम रास्ते में कचरा फेंक देते, ऐसे ही करते ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा करकट और गली में या हमें किसी रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। इसी तरह का टुकड़े आप लोग कहीं देख लें पड़े हुए, कुछ और चीज देख लें पड़ी हुई, तो आप लोग उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल सकते हैं। आप डाली जैसे आप लोग अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही अपने स्कूल को साफ रखा करें, अपने स्कूल में साफ सुथराई का ख्याल रखा करें, अपनी गली में अपने साफ सुथराई का ख्याल रखा करें कि कोई चीज आप गली में ना फेंके, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि गली में से कोई चीज पड़ी, आप फौरन उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया करें। अगर हम इन सब बातों पर अमल करेंगे ना, तो इस सब में हमारा ही अपना फायदा है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना घर साफ रखें, अपना लिबास साफ रखें, अपने जिस्म साफ रखें, ठीक है। अगर हम लोग अब ये सब सफाई सुथराई का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा ना, क्योंकि अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है, अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वाले लोगों से खुश होता है। आज की क्लास में हम लोग इसका बुक वर्क भी करेंगे, पेज नंबर 44, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। आप लोग के पास 5 सवाल है, इसके ऑप्शन दिए हुए, आप लोगों ने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। आप लोगों ने सबक पढ़ा है अच्छे से, आपको समझ भी आया होगा, तो ये काम आप करेंगे। अगले सफे पर 45 सवाल नंबर 2, खाली जगह पूर करें। लिबास, हाथ, रास्ते, जगह, आपके पास ऑप्शन दिए हुए और आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए। बैतुल खुला सफारी होकर डैश धोएं, क्या धोएं, हाथ। हम अपना जिस्म, अपना डैश और अपने घर को साफ रखें, क्या साफ रखें, लिबास। काम करने के बाद चीजों को उनकी डैश पर वापस रखें, जगह। कूड़ा करकर गली में या डैश में ना फेंके, रास्ते। आप ये फ्लिंदा ब्लैंक्स करेंगे पेंसिल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाए। 2 कॉलम आपके पास दिए हुए, ठीक है, हाफ ऑफ वे। सबक आप लोगों ने पढ़ा है ना, हर रोज गुसल करें। आप लोगों ने ये पेंसिल से कॉलम मैचिंग करनी है और स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपने ये मैचिंग करनी है, ठीक है। बगैर स्केल के नहीं करिएगा, हाथ से लाइंस ड्रॉ। हर रोज गुसल करें, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, अपने लिबास को गंदा होने से बचाए, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें, ठीक है। आप लोग ये काम करेंगे अच्छे से। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के जुमलों से मिलाना है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया और जो काम समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप खुद काम करेंगे साफ सुथरी राइटिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकअल्लाह।